दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और इस समय देख रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग केजी पब्लिकेशन से। और इसका चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट मतलब फोर्थ चैप्टर ही है, रेशियो एनालिसिस। और उसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 20। सॉरी, मैं आगे आ गया, अभी तो सही वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 चलेगा, ये क्वेश्चन है। आप पढ़ो शिवानी। From the following profit and loss account and balance sheet of a company, calculate following ratios and current ratio. तो पहले नंबर कौन सा है? Current ratio. फिर? हाँ. Stock turnover. और लिक्विडिटी रेशियो। तो मतलब हमारे एक तरह से इस क्वेश्चन से रिवीजन भी हो जाएगा कि करंट रेशियो हम निकालते थे उसका भी ध्यान हो जाएगा, और नया रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। बाकी हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहले का है और लिक्विड रेशियो वही है, और फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, और टोटल रिसोर्स ये थोड़ा नया है, और एक और है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीन रेशियो नए हैं, बाकी कुछ पुराने हैं, है ना। तो ये कंडीशन रखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि प्रॉफिट लॉस है जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट भी गिवन हो गया, ठीक है। तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कहाँ तक पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे सीधे। आप स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, ऊपर ट्रेडिंग है ना, फिर प्रॉफिट लॉस है। नामक चीज भी होती है। हाँ, ये ना मैं ऐसे कर ली, शॉर्ट में ये शॉर्ट में काम जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इनसे ही कहनी पड़ेगी। चल छोड़ो, फिर तो बाद में कहेंगे। हाँ, तो कहते ना बड़ा क्वेश्चन बड़े पॉइंट एक बार में सॉल्व करना सीखना। 21 में 5 है, 22 में 6 है। देखो बेटा, पहला पॉइंट है करंट रेशो, जो कि आसान है, आप भी निकाल सकते हो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट अभी स्टार्टिंग है ना, मैं पहले पॉइंट से वो लिखूंगा तो अच्छा ही है। अभी तो ठंड हो रही है। करंट लायबिलिटी है ना, तो अब यहाँ देखो करंट एसेट्स मतलब एसेट साइड देखोगे तो वहाँ पे लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। तो नीचे की तीन एसेट्स हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स में आएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एसेट्स में क्या लिखूँगा, स्टॉक। स्टॉक है जो कि कितने रुपए का था, 12 लाख का, प्लस फिर कौन सा है, डेटर। डेटर कितना है, 12 लाख। फिर है कैश एट बैंक, वो 6 लाख का। तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख। ठीक है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, सन्ड्री क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, बिल पेबल है। तीन नीचे की इसमें भी है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर वो थे हमारे पास कितने, 10 लाख के। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, 2 लाख। कितना है, 2 लाख। फिर है हमारा बिल पेबल, 3 लाख। तो ये 10 × 12 = 15 हो गया, ठीक है। तो इतना एमसीक्यू करते समय तो नहीं सोचना, बस ऐसे ही 30 लाख लिखो ऊपर और नीचे लिखो 15 लाख। काट पीट के क्या आ जाएगा, डबल है ना, 2:1। तो सिंपल हो गया हमारा काम, 2:1 हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट, जो कि क्या पूछ रखा है, ऑपरेटिंग रेशो। अब बिल्कुल नया हो गया ना एकदम से, ऑपरेटिंग कलर भी नया हो गया, थोड़ा सही चमकेगा ऑपरेटिंग रेशो। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, बिल्कुल नया सा है, चेक करो। तो नहीं चेक करो, वैसे मैं बता देता हूँ 4.26 इसी बुक का,
4.26 पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना प्लस ऑपरेटिंग एग्जांपल होती है आसपास एग्जांपल देख कौन सा है कौन सा एग्जांपल है हाँ आसपास कोई दिख रहा है हाँ 13 से पहले और हिंदी वाली बुक में हिसाब से 13 एग्जांपल से पहले लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना जहाँ फॉर्मूला लिखा है ना उससे नीचे एक थ्योरी लिख ले पढ़ लेना थोड़ी सी एक लाइन कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है लिखा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस मिला फॉर्मूला हाँ तो ये बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है इसमें लिखा हुआ है ना थोड़ा पढ़ना क्वेश्चन करना इंटू 100 अरे लिखा है कि एडमिशन एक्सपेंसेस और वो सेलिंग एक्सपेंसेस आता है पहली दूसरी लाइन देखनी चाहिए बिल्कुल है ना अपॉन नेट सेल हाँ फॉर्मूला देखो क्या है यही है फॉर्मूला देखो वो अलग चीज बता रखी है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो 100 माइनस ये भी एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अंडरलाइन कर लेना कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दो माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा ठीक है नहीं 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 100 में से ये आंसर माइनस कर दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा जो कि इसमें पूछा गया है हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ही पूछ रहा है तो वहाँ खुल के लिखेंगे ना इसे तो उस समय ढंग से प्रॉफिट रेशियो परिचालन लाभ आ गया ना ठीक है लेकिन वो लाइन पढ़ ली तुमने कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्चा आता है यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो क्या लिखा यदि इस अनुमानित अजी तो ये अलग से दे दिया यहाँ देखो परिचालन अनुपात में जाएगी इनकी हिंदी में नहीं है ये लिखा देखो परिचालन लागत विक्रीत माल की लागत ही तो हो गई परिचालन व्यय में क्या था वस्तु क्रय निर्माण के व्यय प्रशासनिक व्यय मैं इंग्लिश में लिख लूंगी वो ज्यादा वस्तु क्रय निर्माण के व्यय प्रशासनिक व्यय लिखा होगा उसमें होगा जरूर होगा पर मैं तो तैयार देखो बेटा तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये इंटू 100 अपन ये वगैरह वगैरह तो अपने फॉर्मूले में देखो कि सी ओ जी एस कैसे आएगा सी ओ जी एस आता है सेल माइनस जी पी करके क्या आता है सेल माइनस जी पी तो सी हाँ यहाँ पे सी ओ जी एस है ना सेल्स माइनस जी पी ग्रॉस प्रॉफिट है ना तो सेल्स थी 90 लाख माइनस 30 लाख ठीक है 60 लाख अभी 60 लाख को मैं यहाँ लिख दूँ फॉर्मूले में सी ओ जी एस पे ठीक है प्लस ऑपरेटिंग में आपका मेन आएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस है ना क्योंकि बाकी ऊपर ऊपर कैरेज नोट वगैरह सब इसमें आ चुके होंगे सी ओ जी एस निकालने निकालने में तो वो मत लिखना तो अभी देखो क्या है 14 लाख है 14 लाख और कितना था 2,50,000 सेलिंग वाले 2,50,000 तो ये सब ने लिख दिया इंटू 100 अपॉन नेट सेल कितनी रखी ऊपर 90 लाख तो एक बार लिखना पड़ेगा टोटल करके तो ये 60 और 1,650 तो कितना हो गया 1,650 76,50 है ना इंटू 100 अपॉन 90 लाख सॉल्व करना जरा इसे कैलकुलेटर में करो कैलकुलेटर से कर लो 85 तभी सही नहीं अभी है तभी सही है हाँ ठीक है कितना है बेटा 85% आया हाँ ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही तो परसेंटेज निकालना है गेट खोला तो बता दो ऐसा होता है जब कभी भी किसी चीज की 100 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे भले ही रेशियो वाला फॉर्मूला हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर परसेंटेज में ही निकलेगा तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं
ठीक है, ये 85 आ रहा है ना। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना तो 100 में से 85 माइनस कर दूंगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ पे हैं, स्टॉक टर्नओवर नंबर 3। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सी ओ जी एस अपॉन एवरेज स्टॉक। उठा कोई दिक्कत तो नहीं, बताते रहे ना। सी ओ जी एस तो अभी 60 लाख निकाला ही था ऊपर, है ना। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करते ना, तो बैलेंस ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग भी दे रखा है, तो 12 लाख और 10 लाख 22, उसको डिवाइड बाय 2 करो तो 11 लाख, है ना। तो मैं यहाँ एवरेज स्टॉक थोड़ा साइड में निकालता हूँ, एवरेज स्टॉक 10 लाख ओपनिंग के प्लस 12 लाख अपॉन 2, तो ये 11 लाख हो जाएगा, है ना। तो मैं 11 लाख सीधे यहाँ लिख देता हूँ, आंसर निकालिए बेटा। कोई बात नहीं, टाइम्स ये टाइम्स मार रहा है, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी रेशो में लिक्विडिटी रेशो निकालना है एक तरह से, क्योंकि करंट रेशो उसके हिसाब का तो निकल चुका ऊपर। कौन सा पॉइंट है, फोर्थ, लिक्विड रेशो। चलो करते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लिक्विड रेशो का कैसा हिसाब था, लिक्विड एसेट्स एल ए अपॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म पे आ रहा हूँ मैं। एल ए यानी लिक्विड एसेट्स निकालते हैं कैसे, करंट क्या बेटा, कहाँ एल ए लग रहा है, ये हाँ यार सी एल, तो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला होता है। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी आई थी ऊपर देखो, 30 लाख, 30 लाख में से 12 लाख माइनस कर दिया प्रीपेड, तो है नहीं, तो ये 18 लाख आ गया ये हमारा, है तो 18 लाख तो ऊपर लिख दो, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी आई थी, 15 लाख, 15 लाख करिए ना, 18 लाख को 15 लाख से, आज से स्टार्ट होंगी उसकी वीडियो आनी, नहीं उसकी भी कॉर्पोरेट की इश्यू शेयर 1.2 हाँ 1.2 आ गया रेशो 1, इसे कार्ड पिट कैसे आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, बताओ फॉर्मूला एवरेज। अब तो अच्छा चल रहा है, मार गया यार, कलेक्शन पीरियड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेटा टर्नओवर का अपोजिट, ऐसे याद रख पाओगे। तो डेटा टर्नओवर में नेट कैसे ऊपर आती है, अब उसमें नीचे हो जाएगा, तो एवरेज रिसीवेबल, देखो याद तो करना पड़ेगा, वो तो मैं बता रहा है उल्टा कर दो, कई फॉर्मूले कनेक्टेड है, वैसे तभी तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूटी फ्रूटी ले आए, हाँ नहीं नहीं ऐसा लगा था, एक चक्कर मार के आएंगे बार, है ना। अब देखो इसमें डेज में निकालना होता है 360 365, लेकिन आंसर में दे रखा 360 ईयर मान चलो, लेकिन ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए ना कि हमें सपने, तो वही कह रहा हूँ, हमें सपने थोड़ी आएंगे 365 माइनस, मोस्टली हम लोग 365 ही मानते हैं। अब 360 आंसर मिल गया, ये इनको देना चाहिए ऊपर के, एज्यूम करना चाहिए, वरना जो आंसर आएगा हम तो उसे लगाएंगे फिर, चलो कोई बात नहीं। एवरेज रिसीवेबल में क्या था, डेटर प्लस बीआर आता है ना, तो डेटर है बीआर नहीं है, तो डेटर की अमाउंट ही डाल दें यहाँ पे 12 लाख, बैलेंस शीट में चेक करोगे डेटर प्लस बीआर आना चाहिए, लेकिन डेटर क्यों बना, तो डेटर को ही लिख दिया हमने। नेट क्रेडिट सेल तो 90 लाख दे रखी है, क्योंकि नेट सेल मालूम है,
और कुछ पता नहीं, तो वही नेट क्रेडिट सेल बन जाएगी। ऊपर लिखा भी है क्रेडिट सेल के नाम पे, सेल के अंदर नेट क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्रेडिट वर्ड इंटू 360 करिए बेटा, 12 लाख इंटू 360 अपॉन 90 लाख, कहीं कैलकुलेटर मना कर दे। 48 days आ रहा है, 48 नहीं, 0-0 काट के तो काम चला जाएगा, लेकिन फिर भी होना चाहिए तुम्हें अलाओ। हाँ बेटा, तो देखो ये था मुझे तो बस पीछे करते ही रह सकी। 6 रिटर्न नहीं, इसी में रहेगा, खत्म होने वाला। हाँ, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस है, टोटल एसेट्स बोलते हैं, है ना? अच्छा। रिसोर्सेस है ना, इसका फॉर्मूला देखना है तो पेज नंबर 4.30 पे मिलेगा। 4.30 एग्जाम 15 के पास है। हाँ, मिल गया, मुझे भी मिल गया। ठीक है, तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एग्जाम्पल 15 से पहले, हाँ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT बोलते हैं इसे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स लिख दूंगे। मिल गया, इन्वेस्टमेंट तो ऊपर है, से नीचे वाला ये नहीं, ये एसेट्स वाला ना, नहीं नहीं, ये भी तो है, वही दोनों तो एक ही है ना भैया। हाँ एक ही है, लेकिन दोनों में क्यों दे रखा तुम्हारे में, चलो कोई बात नहीं, हो गया वो। ठीक है, तो हम यहाँ देखें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। अब हमारे उस क्वेश्चन में देखा जाएगा तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट गिवन है कितना, 14 लाख। हाँ, तो उसमें कहते हैं ना तो इसमें इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए कोई भी डिवेंचर वेंचर का, और ना ही टैक्स माइनस होना चाहिए, बिफोर वाला होना चाहिए, तो वो बिफोर वाली कंडीशन में ही है। इनटू 100 टोटल एसेट्स कितनी थी, 52 लाख, 0-2 ब्राउन उन्होंने लगे जलेबी से बना दी। करो कितना आएगा, आज मुझे आराम है भाई, कई दिन बाद खांसी में यार, वो बेनेडल ली ना DR, तब जा कैसर हुआ ना, तो खास खास के बेकार हुआ, केजरीवाल बन गया था पक्का, मैं मफलर लगा के कल घूमते रहते हैं यार। कितना आया फिर बताइयो, 26.92। ठीक है, ये ना देखो एसेट्स की लाइन टोटल करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो एसेट्स जिससे साइड हुई लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, तभी तो टोटल करके आएगा। लेकिन मान लो इसमें कहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा होता तो मैं उसको अलग करके तब मैं टोटल करता, वो तो आता ही नहीं है सब तब, है? तो ये आ गया सर 7th पॉइंट, बड़ा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके चांसेस हैं बेटा। हाँ, ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों ही अपने अच्छे कर लेना, ऑपरेटिंग, हाँ तारा बना दो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ बहुत ईजी होता है से करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर तुमने ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रखा है तो सबसे ईजी यही है, कैसे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, यही फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर मान लो वो नहीं सॉल्व कर रखा तो पहले इसके लिए वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। तो 100 माइनस उसका आंसर था 85% था ना, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, आ सकता है भैया, फिर वो सॉल्व दे नहीं रखा होगा ना, वो करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा, तो ये आंसर आ गया। अरे मेरी बच्ची से कोई, मीनाक्षी जो सलाह है जिन की पानी दे दियो, ये रखिए, ठीक है, तो मैं यही वीडियो बंद करता हूँ, तो आप नोट डाउन करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, और अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो कि कौन हूँ मैं, कैसे रहता हूँ, तो घूमो दुनिया ब्लॉग एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी प्रमोशन करने पड़ेंगे, क्या करें, चलेंगे और क्या। तो ये वीडियो आजकल में आ जाएगी, तो आप लास्ट तक कौन रुकता है यार, चलो बाय बाय।